यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अपनी वालिदा की गोद में ही तकल्लुम फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस वाकया को जिक्र फरमाया कि जब कौम ने मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के बारे में सवाल किया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और उसने मुझे नबी बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से उठा लिया गया है, उनका नुज़ूल दोबारा इस ज़मीन के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से होगा। और सही बुखारी में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यंज़िलु ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम दुनिया में उतरेंगे, हाकिम होंगे, अदलन इंसाफ करने वाले होंगे, यकसिरु सलीब सलीब को तोड़ देंगे, वयदाउल हर्ब और जंग का दुनिया में खात्मा कर दिया जाएगा और इतना माल हो जाएगा कि ला यकबलहु अहद, उसको कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। आज भी दुनिया के अंदर ईसाई मजहब पर चलने वाले लोगों को, दीन इस्लाम को मानने वालों की तरफ से ये दावत है, आइए इस्लाम को कबूल कर लीजिए। यही वो दीन है जिसकी दावत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को दी थी और ये कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया, ऐ बनी इसराइल, यकीनन मैं अल्लाह का रसूल तुम्हारी तरफ बनाकर भेजा गया हूँ। और फिर इसी आयत में फरमाया, व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मिहि अहमद, और मैं तुम्हें खुशखबरी देकर जा रहा हूँ कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। आइए, ये ईसाई मजहब को मानने वालों को दावत है, अपने नबी की दी हुई दावत और इस ऐलान को कबूल कर लीजिए और इस्लाम को अपने सीने से लगा लीजिए। तारीफात अल्लाह की नहीं जिसका कोई सानी, ना उसका बाप ना बेटा। हबीबे मुस्तफा ईसा रसूलुल्लाह, लकब पाया खुदा से तुमने रूहुल्लाह, मकीने आसमां तू जिंदा है वहां, तू एक अफजल नबी, नबी का उम्मती करेगा उम्मती होने का खुद इकरार, सलीबे तोड़ कर हरम से जोड़ कर सभी अदियान का कर देगा तू इनकार। मेरे प्यारे नबी ईसा,
تجسس میں ہوں تو کیسا ملا دے آپ سے اللہ روح اللہ وہ سب اسرائیلی انہیں پھر لے گیا رب آسمانوں میں دوبارہ آئیں گے کفر پہ چھائیں گے وہ تب سالار ہوں گے مسلمانوں میں تو پھر اسلام چمکے گا صلیبی زور ٹوٹے گا مٹے گا فتنہ دجال حبیب مصطفیٰ عیسیٰ رسول اللہ لقب پایا خدا سے تم نے روح اللہ حقیقت جان لو محمد ہے نبی عیسیٰ نے فرمایا کہے جس کو نبی خبر انجیل کی تو پھر کیوں کر اسے تم نے ہے جھٹلایا ابھی بھی وقت ہے آؤ وفا عیسیٰ سے کر جاؤ قبول اسلام کر لو تم تو اللہ بخش دے گا جان مصطفیٰ عیسیٰ رسول اللہ لقب پایا خدا سے تم نے روح اللہ مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں مکین آسمان تو زندہ ہے